केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर जिले के लोगों का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। इस बजट से किसी की उम्मीदों को झटका लगा है तो कोई इस बजट की सराहना भी कर रहा है। हालांकि सरकार ने इस बजट से लोगों को जोड़ने की कोशिश जरूर की है। एक तरफ जहां पेट्रोल, डीजल, यूरिया, डीएपी पर रेट बढ़ाकर सरकार ने लोगों को नाराज किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सोना चांदी सस्ती होने पर कुछ वर्गों को खुश भी किया है। आई इंडिया ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारियों, किसानों व बुद्धिजीवी वर्गों से बजट पर उन लोगों की राय जानी। लहरपुर नगर के व्यापारियों का मानना है कि कोरोना संक्रमण काल के बाद प्रस्तुत बजट सर्व समाज के हित का बजट है। व्यापारियों ने आई इंडिया संवाददाता को बजट के बारे में बताया। बजट तो काफी जो मीडिया में और जो दिखाया गया हम लोगों को बड़ा लंबा सफर चला है वहाँ पे। बजट ओवरऑल तो ठीक ही है, लेकिन जो इस कंडीशन लगाई गई है किसानों के लिए इतनी व्यवस्था की गई है तो किसान तो आंदोलन कर ही रहे हैं। उनको समझाया जाता, उनके हिसाब से कुछ किया जाता, वो तो कुछ हुआ नहीं। स्वास्थ्य पे बताया गया कि 137% बढ़ा के बजट दिया गया है, लेकिन वो 6 सालों के लिए दिया गया है। तो कुल मिला के लोक लुभावन बजट है, और हर बजट में हर एक स्टेप पे जो है हर जो गारंटी दी गई है वो 3 सालों के लिए, 6 सालों के लिए, 7 सालों के लिए। बजट तो हमारी समझ से तो एक साल के लिए होता है और उस 1 साल में उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, लेकिन चलिए जो है वो बहुत अच्छा है और हम सराहना करते हैं इस बजट की। साल का बजट 2021 जो है किसानों के लिए बहुत ही हितकारी है और इससे किसानों की आय में काफ़ी इजाफा होगा और व्यापारी वर्ग के लिए भी अब की साल का बजट काफ़ी अच्छा है। ये बजट बहुत बढ़िया निकला और आम आदमी के हित में बजट है ये सब, और इसमें व्यापारियों का बहुत फायदा है। इस बजट में हमारे मुताबिक बहुत बढ़िया बजट है, किसानों का भी बहुत फायदा है इसमें, किसानों के लिए वो करा गया। बजट तो हम लोगों के हिसाब से सही है, क्योंकि बजट में कोई हेरफेर तो किया नहीं गया जाता है और ना कोई नुकसान ही किया गया किसी का, चाहे दुकानदार हो या कोई मतलब थोड़ा बहुत अगर है भी तो देश चलाना है तो बजट को देखना पड़ता है ना। हम लोगों पर कोई ऐसा भार आया नहीं, बजट सही है और इसके तौर ये लगभग इसको मैं अंक दूंगा लगभग 85-95% तक ये सही बजट है, क्योंकि इसमें हर क्षेत्र को इन्होंने देखा है और हर क्षेत्र के लिए एक उत्तम जो हो सकता है वो उपाय इन्होंने किया है। वो चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे अन्य अन्य किसी भी प्रकार के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक सुलभता दी है इन्होंने। सिधौली से हमारे संवाददाता राजेश यादव ने वकीलों और व्यापारियों से आम बजट के बारे में राय सुमारी की तो उनकी राय कुछ यूं रही। अच्छा बजट है, कुल मिला के किसानों के लिए भी अच्छा है और मिडिल क्लास के लिए भी अच्छा है। अच्छा बजट स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे जितना जोर दिया सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय कार्य है। माननीय हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा पेश किया हुआ है बजट, जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी का जो है उसमें पेश किया गया है, बहुत अच्छा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बजट प्रस्तुत किया है बहुत ही सराहनीय है, और सबसे बड़ा सराहनीय कार्य है जो पेंशन धारक 75 साल से ऊपर उनको अगर कोई और आय नहीं है तो उनको टैक्स फ्री कर दिया है जी। तो बजट से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुशी हमें है, इससे सराहनीय बजट नहीं हो सकता है। मैं ग्राम शंकरपुर का निवासी हूँ जी। मैं व्यापार भी करता हूँ और सरकार की बात भी सुना है। सरकार जो बजट लाई है वो बहुत अच्छा है, वो स्वास्थ्य विभाग के लिए भी अच्छे कार्य किया है और देश के प्रति भी सोचा है और व्यापारियों को भी हित में रखा है, अन्य चीज़ें भी। बजट सराहनीय है जी, और किसानों का भी विशेष ध्यान रखा गया है, किसानों को भी विशेष रूप से देखा गया है। जो कोरोना काल में ये बजट है वो सराहनीय है, बहुत अच्छा बजट है। बजट जो आया है यूपी सरकार का वो व्यापारियों के हित में है, कोई अतिरिक्त टैक्स जो है वो व्यापारियों के ऊपर नहीं लगाया गया है। विकास से उन्मुख बजट है, देश की उन्नति के लिए बजट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार के बजट में स्वास्थ्य के प्रति सरकार ने
बहुत कुछ कदम उठाए हैं, जो कि समय महामारी चल रही है उसमें सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए सभी के लिए कार्य किया है। कुल मिलाकर अच्छा बजट है इस बार। मेरी प्रक्रिया है कि वकीलों के लिए सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि वकीलों के पास कुछ बजट देते ना, कोई वकीलों के पास उन्होंने कोई अपना ध्यान ही नहीं दिया, ना तो वकीलों के पास कोई चैम्बर है बैठने के लिए, ना तो जो जूनियर अधिवक्ता है उनको एक्सटेंशन दिया, ना तो जो सीनियर अधिवक्ता है उनको पेंशन की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही थी, तमाम ना तो छोटे छोटे जो जूनियर है उनका प्रोटेक्शन बनाया, तमाम वकीलों की हत्याएँ हो रही हैं, तमाम कुछ हो रहा है, वकीलों के पास बिल्कुल निराधार सरकार ने कुछ किया है नहीं। चैम्बर की आवश्यकता थी, लाइब्रेरी की आवश्यकता थी, अगर बजट में वकीलों का प्रावधान तो रखना चाहिए था सरकार को, सरकार ने वकीलों को ध्यान ही नहीं दिया। जब हमारे रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा ने लोगों से बजट के बारे में उनकी राय जाननी चाही तो वहां सरकार के इस बजट से लोगों में काफी रोष दिखा। आइए सुनते हैं क्या बोले क्षेत्रीय लोग। ये बजट गरीबों, किसानों, नौजवानों, छात्रों, व्यापारियों के लिए कोई ख़ास करके कोई उनके लिए लाभकारी नहीं है, यहाँ तक कि मध्यम वर्ग भी इससे जो है कोई लाभ उसको मिलने वाला नहीं है। मुख्य बात यह है कि इसमें गांव, गरीब, किसान की कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए बजट हमारी नज़र में तो निराशाजनक है। अब यह है कि सरकारी बजट इसको कहा जाएगा, सरकार ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरह का बजट तैयार किया। ये बजट आया है जो मध्यम वर्गों के लिए सही नहीं है और गांव के ग्रामीणों के लिए इसमें कुछ दिया नहीं गया है और जो युवा हैं उनके लिए इसमें कुछ नहीं है। ये बजट एक मात्र दिखावा जैसा है और इससे युवाओं का ना कोई फायदा है, ना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का फायदा है, ना इसमें किसानों का कोई फायदा है। जो बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है तो किसानों की बातें हो रही हैं, लेकिन किसानों को देखा जाए धरातल पे कोई उनको सुविधाएं नहीं मिल रही, सुख सुविधाएं नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान तो ऐसे मर रहा है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ऐसा ही मौसम हो उसको अपने लोग खेत में पड़ा रहता है हर समय, वो खेत उसके चल रहे हैं, जो जानवर छुपा जानवर टहल रहे हैं उनके लिए अभी तक कोई सरकार द्वारा कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। हर गांव से जब हमारे संवाददाता अनूप रस्तोगी ने लोगों से बजट के बारे में बात की तो उन्होंने खुल के इस बारे में अपनी बात रखी। जो मोदी जी के द्वारा या हमारे जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो पेश किया गया है बहुत ही अच्छा बजट कहा जाएगा। सबसे अच्छी बात इसमें यह लगी जो किसानों के लिए इन्होंने एक उसमें अलग से सेस लगाया है, वो सेस जो किसानों के काम आएगा आगे, अगर कोई ऐसी समस्या आती है किसानों के लिए तो उसमें स्पेशल। आप देखिए पहली चीज़ कितना अच्छा काम कर दिया कि पेट्रोल और डीजल के दामों का असर आम जनता पे नहीं पड़ेगा जो बढ़ा है, उन्होंने अपने टैक्स को जो उनका टैक्स होता है उसको कम करके और वो पैसा अब वो किसानों के हित में लगाने जा रहे हैं। हमें सबसे अच्छा जो पॉइंट लगा, देखिए किसान बहुत परेशान है, आज की जो दो ढाई महीने से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें किसान परेशान था, लेकिन उसको उन्होंने पूरी तरीके से किसानों को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए कि पेट्रोल डीजल के दाम आम जनता पे उसका असर नहीं पड़ेगा और उस पैसे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं वो किसानों के लिए करने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात हमको इसमें लगी। और दूसरा जो स्वास्थ्य के ऊपर आप देखिए कि स्वास्थ्य के बजट को कितने गुना बढ़ाया गया, आप देखिए 2.38 लाख करोड़ रुपया जो उन्होंने दिया है इस स्वास्थ्य बजट के लिए, ये बहुत बड़ी हमारे सरकार की उपलब्धि हम इसको कहेंगे और इसके लिए हम हमेशा और हमारी पूरी जनता यहाँ की भारत की हमेशा ये उनका एहसान रखेगी कि स्वास्थ्य के लिए इतना सजग है हमारी सरकार की, स्वास्थ्य को लेकर इतना सजगता अगर सरकार के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक साल से एक बीमारी को लेकर जो परेशान थे, आम जनता परेशान थी, उसको लेकर हमारी सरकार के अंदर इतनी चिंता है और उन्होंने इतना बड़ा बजट उसको पेश किया स्वास्थ्य को लेकर कि इतना पैसा हमारे स्वास्थ्य पे खर्च किया जाएगा, हम इसको लेकर बहुत अधिक खुश हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं एवं वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है एक मिसाल पेश की है कि जैसा हम लोगों ने इस कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनकर पूरे भारत के को विश्व के सामने एक नई मिसाल की तरह पेश किया है, ये बजट पूर्णतया उसकी पूर्ति करता है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, पूरी तरीके से जो है एक ऐसा बजट पेश किया गया है जिससे हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर बनने के साथ में मेक इन इंडिया जो हमने जो लागू किया था, हमारी सरकार ने जो लागू किया था,
उसको भरपूर सहायता देने के लिए ये बजट जो बनाया गया है, मतलब चाहे जितने ही मध्यम वर्गीय हों, चाहे उच्च वर्गीय हों, चाहे निम्न वर्गीय हों, किसान वर्गीय हों, सबके लिए बहुत ही अच्छा बजट है। और सबसे बड़ी बात जो ये हम लोगों ने देखी कि कोरोना काल में जो चीज़ें हम लोगों को नहीं मिल पा रही थी पूर्णतया उसको, कि अगर आगे ऐसी समस्याएं आती हैं, एक अलग से बजट एक पेश किया गया है कि आगे आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए, और जब कभी भी कोई आपदा आती है तो उसको दूर करने के लिए अलग से बजट में एक पेश की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, डीजल पेट्रोल के दाम, बहुत सी चीज़ें आप सब लोग जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार होती है उसी के आधार पर उसकी मूल्य वृद्धि और मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि कोरोना काल में पूरे विश्व में समस्याएं आई हैं और उसी को लेकर विश्व की जो तेल की कीमतें, उसमें उछाल भी आया है, तो उसका सामंजस्य बिठा के, और एक चीज़ और अभी जो उसमें GST पे दरों पर जो लगाया गया है, उससे भी काफ़ी आगे जाके डीजल पेट्रोल के दामों पे अच्छा प्रभाव रहेगा, और जिससे हमारे किसानों को, हमारे भारतवर्ष के आगे जाके लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके देश में भारत देश अपना दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है और पूरे विश्व में एक अलग साख बनाई है, जो कि एक सभी लोगों को सम्मान की दृष्टि से पूरा विश्व देख रहा है। ये बजट अब तक के कम से कम 25 से 30 सालों के इतिहास में, जैसा कि मैंने पढ़ा, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसमें गरीब किसानों को, मध्यम वर्ग को, बुजुर्गों को, जो कि आयकर देते थे 75 वर्ष से, उसमें सभी का एक सम्मिलित बजट, बहुत ही सुंदर बजट प्रस्तुत किया है। स्वास्थ्य पे विशेष मोदी जी ने ध्यान दिया है कि 137%, जैसा कि कल से न्यूज़ चैनल और समाचार पत्रों में पता चला, 137% कोरोना को दृष्टिगत देखते हुए कि किसी भी तरह की, ईश्वर ना करें, महामारी आए, लेकिन अगर आती हैं तो उनसे लड़ने के लिए 137% स्वास्थ्य पे बजट पे ध्यान दिया गया है। किसानों के लिए आय दोगुनी करने के लिए और निरंतर प्रयास किए गए हैं। किसान आंदोलन से जूझ रही सरकार के लिए आम बजट पेश करना चुनौतियों से भरा रहा। बजट पेश होने से पहले लोगों के मन में जो सवाल और आशाएं थीं, सरकार लोगों की उन आशाओं को पूरा करने में कहां तक सफल हुई है, ये जानने के लिए आए इंडिया ने अपने दर्शकों से बजट के बारे में राय जाननी चाही। जब आई इंडिया के सकरन संवाददाता विनय अवस्थी ने क्षेत्र के लोगों से इस बारे में बातचीत की तो लोगों का रुख कुछ इस प्रकार देखने को मिला। इसकी राय यह है, ये नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कोई बजट में है ही नहीं कुछ। ये तो छलावा है समाज के लिए, बिल्कुल बजट का कोई मतलब नहीं है, केवल नौजवानों को छला गया है। नौजवानों के लिए उसमें न कोई पॉलिसी है, न कोई नीति है, किसानों का कहीं जिक्र ही नहीं है। केवल किसान सम्मान निधि से काम चलने वाला नहीं है भारत के किसानों का, 2000 रुपए से घर हमारा थोड़ी ना चलेगा। आम बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के विकास हेतु, जैसे किसान, मध्यम वर्गों के विकास हेतु, जैसे किसान, मध्यम वर्ग, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है, जो अच्छा कहा जा सकता है। डीजल और पेट्रोल पर जो दाम बढ़े हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर करता है। जो ये 2021 का बजट पेश हुआ है, ये बहुत ही सही बजट है और ये सब वर्गों को जो है ध्यान में रखते हुए जो बजट पेश किया गया है, बहुत सही बजट पेश किया गया है। और जिसमें तेल की रेट जो बढ़ी है, ये तो सब अंतर्राष्ट्रीय जो है योजनाएँ हैं, और इसमें सोना चांदी घटा है, जो है पैसा कम हुआ है, और कपड़े पे पैसा कम हुआ है, और किसानों के लिए जो है बहुत अच्छी योजनाएं जो है लॉन्च की गई हैं। तो देखा आपने कि किस तरह सकरन क्षेत्र के लोगों ने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय आई इंडिया के सामने रखी। इसी क्रम में आई इंडिया से कचनार के संवाददाता धनंजय यादव ने भी मोदी सरकार के आम बजट पर अपने क्षेत्र के लोगों से उनकी राय ली। देखिए क्या बोले क्षेत्रवासी। बजट का पूर्णतया पूरा हम विरोध करते हैं,
तो किसानों के लिए इसमें कुछ भी तो दिया नहीं गया। किसान डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सारे DAP हो, यूरिया हो, हर चीज़ पे टैक्स, इतना ज़्यादा टैक्स, लागत मान के चलिए 75% लग रही है, बजट थोड़ा भी नहीं है। तो इसमें पहले तो गन्ने का मूल्य बढ़ाए सरकार, जो भी अभी तक गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया था 20-25 रुपये, वो सपा सरकार ने बढ़ाया गया। इस साल जो भी बजट आया किसान के पूर्णतः विरोध में आया है, इसमें बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते हैं, इस बजट का विरोध करते हैं। ये बजट पूरी तरह गरीब मजदूर किसानों के लिए निराशाजनक बजट पेश किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। हम लोग व्यापारी हैं, एक भी कस्टमर रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि दोने रेट हो गए, डेढ़े रेट हो गए, सवाए रेट हो गए। साइकिल जो हम लोग 3200-3300 रुपये की भेज देते थे, उसकी रेट 3500 रुपये कर दी गई है। अब हम लोग 3500 के आगे जब बोलते हैं तो कस्टमर भाग जा रहा है। एक महीने से अधिक हो गया है, कोई भी कस्टमर आने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो बजट आया है, इस पर भी मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट है, अन्य चीज़ों पर पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जिससे अब तो और धंधा चौपट हो जाए। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।